मैं हूं सना और आज का वीडियो है व्यूअर डिमांड स्पेशल। जो मेरे वीडियोस के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैंने वर्ल्ड स्पैरो डे यानी 20 मार्च को बर्ड हाउसेस लगाए थे अपने घर में, जिसमें एक पेयर स्पैरो ने अपना घर बनाना दूसरे दिन से ही शुरू कर दिया था। उस बर्ड हाउस का क्या हुआ उसका अपडेट जानने के लिए अरहाम अहमद जी ने और भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो आज मेरे बर्ड हाउस का अपडेट देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे बारे में और मेरे चिड़ियाघर के बारे में और ज्यादा जानना चाहें वो आज के दैनिक भास्कर ई न्यूज में हमारा फीचर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो हुआ यूं कि बर्ड हाउस लगाए हुए मुझे 1.5 महीने हो चुके हैं और जिस हिसाब से गौरैया ने अपना घर बनाना शुरू किया था उस हिसाब से महीने भर में मुझे बेबी बर्ड्स दिख जाने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं और मैं वेट करती रही कि कुछ पता चले। पर एक दिन मुझे सुबह के टाइम गौरैया का एक मरा हुआ बेबी दिखाई दिया जमीन पे। देख के तो बड़ा अफसोस हुआ, वो बेबी मेरी चूचू जैसी दिख रही थी, मतलब उतनी ही बड़ी। लग रहा था मेरी मेहनत जो है वो बेकार हो गई। बच्चे हुए होंगे, कुछ उनमें दिक्कत आई होगी, तो मम्मी पापा स्पैरो ने उसे घोंसले से नीचे गिरा दिया होगा, क्योंकि बर्ड्स की ऐसी टेंडेंसी होती है कि बेबी बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उनको नीचे गिरा देते हैं, जिससे बाकी बर्ड्स पे कोई असर ना पड़े या घोंसले में इन्फेक्शन ना फैले। लेकिन 1.5 महीने बाद भी ये पेयर स्पैरो घोंसले के दिन के अंदर लेके जा रहा है। पता नहीं घोंसला दोबारा बना रहा है क्या, नो आइडिया। बस होपफुल हूँ कि अपने लगाए बर्ड हाउस में भी बेबी बर्ड्स देखने को मिले। कुछ दिन पहले इस घर में भी घर बन रहा था और ज्यादा मेहनत नहीं हुई उस पे। देखते हैं क्या होता है और कब होता है। मेरी बर्ड्स और नेचर रिलेटेड जर्नी में साथ देने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई न्यू अपडेट मिस ना हो। और बर्ड से कनेक्टेड फील करते हैं तो कोशिश करें उन्हें इन्वाइट करें, ना कि पिंजड़े में बंद करें। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।